many people. Official V's in the house as well. Official V's in the house. V, shall we get you on for 5 minutes? We're going to get Official V on the house. Let's see if V comes in, if he's any state to show what's popping. My brother V, where you at, dog? Unless you're not groomed up, ready to come on. We're waiting for Official V music to come on live. Hopefully we can have a quick chat with him. Acha, you guys want me to talk in Hindi, English, Punjabi? I like that V, but you that are busy now. No worries, man. No worries. We got too much going on. But what we're going to do right now, what we're going to do right now is we're going to bring on. मैंने कहा मूड बनाते हैं, बीट लगा के बीट चला दो। पहली वाली बीट बहुत बढ़िया थी। थोड़ा डिले होता है लेकिन बीट में फायदा। सारे बंदे आ रहे हैं, सारे बंदे आ रहे हैं। एक्चुअली मैंने लिख दिया था वहां पे कि 10 बजे जाऊंगा, पर मैं जल्दी आ गया। सॉरी गाइस, आप जनता ला रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने इतना मूड बनाते हैं, जरा बीट सुनाते हैं आपको, जरा वाइब मिलाते हैं, फिर बात करते हैं थोड़ी देर ना। ये रफ्तार की वाइब है ना, फास्ट 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 फ्लो। So first of all, I'd like to say Namaste, Assalamualaikum, Satsrikal, greetings. सारे लोगों को जो देख रहे हैं, तो हिंदी में बात करते हैं, ठीक है? हिंदी में ही करनी है भाई जी। भाई चलो ठीक है, तो हिंदी मेरी तो बहुत बढ़िया, आपकी भी बढ़िया, तो सही तरह बात करते हैं ना फिर। कोई बात नहीं, हम कनाडा वाली हिंदी सुनाते हैं। भाई कनाडा वाली हिंदी है या इंग्लैंड वाली हिंदी है, लेकिन हिंदी तो हिंदी है ना। रोज भाई आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कुर्सी नीचे करनी पड़ेगी या अपना मोबाइल ऊपर करना पड़ेगा, बिकॉज आंखें कट रही हैं। आंखें कट रही, अब नजर आ रहा थोड़ा इस तरह बेटर है? अच्छा, नीचे किसी ने पूछा ब्लड किसको चाहिए। भाई भाई मेरे को किसी ने भेजा था सामने से कि उनको इमरजेंसी है, तो मैंने वो पोस्ट कर दिया था, पर काफी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है उसका और काफी लोगों ने वहां पे बात किया है। होपफुली उनकी हेल्प हो गई होगी जो लखनऊ में है। इस लाइव के बाद मैं उनसे पता कर लूंगा कि क्या सिचुएशन है और आप सबको अपडेट कर दूंगा। जिसने भी रिवर्ट किया था और वो फैलाया था मैसेज, यार थैंक यू। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सारी जनता को बताना चाहता हूँ कि हम ये एक टैलेंट शो रखा है, स्पेशली क्वारंटीन टाइम में हमने एक टैलेंट शो रखा है। बेसिकली क्या रफ्तार को पता है, मुझे पता है, हम आर्टिस्ट हैं। जब शुरू शुरू हमने किया था तो ना हमें पता था स्टूडियो क्या होता है, ना हमें पता था प्रोड्यूसर क्या होते हैं, तो ये नहीं पता था कहाँ जाके दिखाएं अपना टैलेंट। पता घर में गली गली में होते थे, दोस्तों के साथ बैठे बस लगे हुए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं। कोई ऐसी आवाज जो हमें दिल में भा जाती है, वो हम कोई भी कनेक्ट कर सकता है, आप पकड़ सकते हो उसे, मैं ले सकता हूँ, कोई भी है, उसका मतलब यूनिटी से कम्युनिटी फैलती है। तो ये इसलिए हमने रखा हुआ है, और हर 3 दिन में मंडे थर्सडे और संडे करता हूँ, और उसमें एक स्पेशल गेस्ट लेके आता हूँ जो बेसिकली सेलिब्रिटी गेस्ट होता है, जो अकॉम्प्लिश होता है, जो उनको बच्चों को इंस्पायर कर सकता है, अपने की जो नोट्स बता सकता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हार्ड वर्क पेज ऑफ, मतलब ये एक प्रूफ है, लिविंग प्रूफ है। रफ्तार भाई को देखो, अब रफ्तार हैज बीन डूइंग इट फॉर ओवर, अभी लोगों को नहीं पता कितनी देर से आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें गो गेट इनटू इट, लेकिन पब्लिकली यू आर डूइंग इट फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स नाउ, है ना? हां, ऑलमोस्ट, यस, मतलब 8 इयर्स मेरा भाई, 8 इयर्स भाई, उसके पहले 10 साल लगा लो ना, 18 साल हो गए ना, 8 साल मतलब पहला गाना प्रॉपर्ली बाहर आ पाया था, उससे पिछली स्टोरी तो फिर 2007-06 से चल रही है, 6 से। स्टोरी से शुरू करते हैं। तो रफ्तार, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम आपसे पहले पूछना चाहते हैं कि रफ्तार, जो नाम रफ्तार है, वो कहां से आया? ब्रो क्या हुआ था कि मैं जिस क्रू में था ना, उसमें सबका अपना अपना नाम था। इक्का के पास अच्छा नाम था, गोलू का लिल गोलू पड़ गया था, तो मेरे लिए ना नाम नहीं मिल रहा था एग्जैक्टली। मेरा नाम सेम मैक्स होता था, निकनेम से मैं जाता था। तो आई वाज सिटिंग होम एंड द फर्स्ट नेम आई कुड थिंक ऑफ, पहला नाम जो मेरे जहन में आया वो रफ्तार था। और जैसे देखो एक रैपर की आदत होती है ना, वो जो भी नाम होता है उसको मजा आता है अगर उसके नाम के साथ बहुत चीजें राइम हो जाए,
है ना, रोज अप्रोच कोच है ना, ये एक नाम ऐसा मिल जाए जिसके साथ बहुत राइम हो जाए, तो रफ्तार के साथ भी बहुत कुछ होता था, तो इस चक्कर में आई वॉज लाइक यस मैन। एंड क्रिएटिविटी के मामले में मेरा काफी गॉड गिफ्टेड है, या मेहनत बहुत करी है, कुछ भी लगा लो, काफी जल्दी काम होता है, लाइक इफ यू सिट डाउन टू मेक समथिंग तो क्रिएशन जल्दी होने लग जाती है, सो दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड हैविंग दैट थिंग। यानी दिमाग की स्पीड इतनी है, रफ्तार इतनी है दिमाग की कि वो शब्दों में आ जाते हैं, तो यार दैट्स मैं व्हाई बोलता भी नाम तो कितना यूज़ तेज तेज हूँ किया। मुझे पता है, मेरे जो लोग देखते हैं वो कहते हैं यार रफ्तार भाई बहुत तेज बात करते हैं, ऐसा लगता है बंदा रैप कर रहा है अच्छा, तो मतलब रफ्तार उस वक्त नाम पड़ा, तो आपको कब, आप ऑब्वियसली मुझे पता है बचपन से आपको रैप का शौक था, तो कौन सा ऐसा मौका आपको आया, कौन सा ऐसा मुकाम था जिंदगी में कि आपको फील हुआ कि यू नो व्हाट, मैंने रैपर ही बनना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं। अराउंड 2006 में मैंने स्टार्ट कर दिया था, सबसे पहले रैप करना ही स्टार्ट किया था, और अपना क्रू बना के हम गाने वाने रिकॉर्ड करते थे कैसे भी, अपना वो इंटेक्स का माइक होता था, वर्चुअल डीजे पे रिकॉर्ड कर देते थे, और मेरे को थोड़ा टेक्निकल नॉलेज थी, मैं मतलब कीड़ा जाता था इंटरनेट पे बैठने का और चीजें समझने का, तो मैं ऑनलाइन वगैरह पोस्ट कर देता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ना डांस की अपॉर्चुनिटी मिली, डांस सिखाने की, और वो डांस अच्छा सिखाने की अपॉर्चुनिटी का फायदा ये हुआ कि पैसे आ जाते थे मंथली, अब घर वालों से मांगने से अच्छा है कि आपके पास एक पॉकेट मनी आ रही है, तो मैं उस वाह, तरफ चला गया, और फिर उसमें मैं अपने आप को बेटर करने लग गया, क्योंकि यार बच्चों को सिखाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है कि आप कुछ गलत नहीं सिखा सकते, वरना आपकी छाती पे वो बोझ है, तो मैं उसको और सीखने लग गया, तो म्यूजिक साइड बाय साइड चलता रह रहा था सेम, क्योंकि उसमें पैटर्न बन चुका था अपना कि हमने मिलना है, गाना बनाना है, लिखना है, किसी तरीके से डब करना है, कॉलेज भी मेरा चल रहा था, तो वो यू नो आपको पता है जब आपकी कॉलेज लाइफ होती है ना, तो आप ऑलरेडी मूविंग होते हो, आप हमेशा घर वाह से बाहर निकल रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, वो ना बेस्ट एज होती है स्ट्रगल करने के लिए, आपकी कॉलेज लाइफ और उसके आसपास के 1-2 साल। उसके बाद क्या होता है कि आपके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप कमाने लग जाते हो, आपको घर का देखना होता है, आपको सब कुछ संभालना होता है, और घर वालों की नजरों में भी आप बड़े हो जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हो जाती है, तो उस पीरियड में जो भाग दौड़ लिया ना, उसमें डांस करते करते पैसे जोड़े, स्टूडियो पे लगाए पैसे जोड़े, इक्विपमेंट ले लिया पैसे जोड़े, कुछ काम कर लिया, पर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि यार जितना प्यार मुझे रैपिंग से है ना, जितना मैं एक्सप्रेस रैपिंग में कर पाता हूँ, उतना मैं डांस में नहीं कर पाता, बिकॉज मैं हमेशा से एक बहुत अच्छा टीचर था, पर अच्छा डांसर भी अच्छा था, पर जिस लेवल को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ उस लेवल पे अपने आप को नहीं देखता था, लाइक मैं बहुत अच्छा अच्छा डांस करता था, रियलिटी शोज वगैरह में भी गया और कॉम्पिटिशन वगैरह भी जीते, कॉलेज के भी बिट्स पिलानी वगैरह भी जीता हुआ है, बिट्स पिलानी जज किया हुआ है, तो वहां पे भी अच्छा मुकाम मिला, पर एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है ना कि इसमें कितना अच्छा हूँ उसमें कितना अच्छा हूँ, तो एक दिन मैंने डिसाइड किया भाई कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा, दो नाव में पैर रख के चलेंगे, दोनों नाव दो तरफ चल गए तो बीच से फट जाएंगे, तो इस चक्कर में मैंने वो डिसीजन लेते हुए अराउंड, और कुछ चीजें भी हो गई थी जिसकी वजह से मेरे को वापस ये था कि यार स्टार्ट करना है और अब करना ही पड़ेगा, अब कोई चारा नहीं है, दो चीजें नहीं कर सकते, तो उन चीजों के बाद मैंने एकदम डिसाइड किया कि नहीं म्यूजिशियन ही, और उस दिन से डांस को ब्रेक मारा, पैसे जो जोड़े हुए थे डांस से ब्रेक मारा, सीधा मारे स्टूडियो में घुसना हुए स्टार्ट किया और चालू, मतलब टू तो थाउजेंड उस टाइम पे, हाँ 2010 के टाइम पे मैंने बिल्कुल ही डिसाइड, रैप में साथ में कर ही रहा था, पर दोनों मेरे दो करियर ऑप्शन भी साथ में चल रहे थे अच्छे खासे, अच्छे खासे, अच्छा उधर भी अच्छा काम चल रहा है, कोरियोग्राफीज मिल रही है, कॉलेज कोरियोग्राफीज मिल रही है, प्राइवेट क्लासेस मिल रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया, लाइक देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ मेकिंग मनी, वो सब बढ़िया चल रहा था, पर वो जो दिल से आवाज निकल के आती है ना, कीड़ा था ना, वो नहीं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। 2009 अच्छा, 2009 2009 2009 से मैंने बिल्कुल, तो आपने जब रैप मतलब है शुरू किया, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो कौन सा एक आर्टिस्ट है जो आपको देख के इतना इंस्पायर हुए, जिससे आपने सीखा, क्योंकि हमें पता है कि रैप म्यूजिक में सिर्फ शेरो शायरी नहीं होती, इसमें डिलीवरिंग होती है, ब्रेथ कंट्रोल होता है, बहुत बहुत टेक्निकलिटीज होती है रैप करने, ठीक है ना, वो कौन सा आर्टिस्ट आपका एक आर्टिस्ट है जिससे आपने ये सब कुछ सीखा है, अगर एक हो, I'm sure there's different different होंगे, एक कौन सा वो आर्टिस्ट है जो आपके मतलब आंखें बंद करके संकट दूर करके वो देखो आर्टिस्ट। जैसे सबका मोस्टली क्या होता है, लोग ना सुनना स्टार्ट करते हैं उस टाइम के हॉटेस्ट आर्टिस्ट को, क्योंकि वो इजीली आपको यू नो बिलबोर्ड के गाने डाउनलोड करिए, अपने टॉरेंट से गाने निकालते थे हम, याद है भाई वो जमाना नैपस्टर वाला, लाइम नैपस्टर वायर लाइम वायर वाला, तो उस पे अगर कुछ मिल गया हिप हॉप डाल के तो वो सुनते थे, पर मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन रैप की थी माइक शिनोडा से, मैंने लिंकिन पार्क के गाने में इन दी एंड में जो रैप का पोर्शन आता है ना, दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि मतलब यार ये राइम कर रहा है आपस में, राइम तो मैं भी करता हूँ, तो वो और व्हाट 2005 2004 की बात है, और मैंने कहा राइम तो मैं भी करता हूँ, अब नहीं 2004 या
की बात है ब्रो, 10वीं क्लास में था मैं। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, मैं भी राइम कर सकता हूँ, तो मैंने भी लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर उसी दोस्त ने, दो मनीष और मुनीश नाम था, ऐसे कोई दो दो, दो भाई थे जुड़वा, उसने मेरे को एक दिन एक MP3 की CD दी। उस CD के अंदर ना लिंकिन पार्क के गाने मैंने मांगे थे बाकी के, उसके अंदर Eminem के गाने बहुत सारे निकले। जैसे ही मैं वो माइक से रोना, लिंकिन पार्क से आगे चलते चलते Eminem स्टार्ट हुआ, भाई मैंने ना वो 3 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर पूरी MP3 सुन मारी। मैं बस उसके बाद कभी मुड़ा नहीं यार। और उसके बाद धीरे धीरे जब और आर्टिस्ट को पहचानना स्टार्ट किया, क्योंकि होता है क्या कि आप कुछ जब देख लेते हो, आपको कुछ स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल आपको खेलना पसंद है, बचपन में आपने खेलना शुरू किया कि नहीं यार मेरा इंटरेस्ट खेलने में है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि बचपन में मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो खेलने में भी आप धीरे धीरे समझते हो कि आपको क्या खेलना पसंद है, वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, लॉन्ग जंप है, रनिंग है। तो वैसे ही जब मैं रैप के अंदर घुसा तो काफी आर्टिस्टों को सुनना स्टार्ट किया, 50 सेंट वगैरह को सुनना स्टार्ट किया है ना, नास को बहुत सुनता था, लूपे फियास्को वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स ब्रो, लूपे फियास्को बहुत पसंद था, पर गेम ना मेरे को भाग गया, लाइक द गेम, वो मेरे को भाग गया। एक तो वो स्टाइल, वो डिलीवरी, वो पर्सोना, वो भाग गया मेरे को। तो फिर एक तरीके से क्या होता कि मैंने उनको इतना सुन लिया कि मुझे कहीं कहीं लगता है कि मेरे स्टाइल के अंदर उनका वो एक थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखता है, और आप उसको वो भी नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका पार्ट बन जाता है यार। उसको उनको भी नहीं पता वो मेरे गुरु है, खैर अब तो पता है, अब तो मैं मिल लिया था, पर इमेजिन कि ऐसे कितने लोग होंगे जो घर पे बैठ के लोगों से सीख लेते हैं, और वो जिनसे सीख रहे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमसे कोई सीख रहा है। इट दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैन, आर्ट की ब्यूटी है। सारे कोरोना सारे एकलव्य। आप कहाँ, वैसे कहाँ से हो, दिल्ली में हो? मैं अभी बॉम्बे में फंसा हुआ, पर मैं दिल्ली से हूँ, और पैदा ही स्कूल केरला की है। कॉलेज वाले दोस्त सारे दिल्ली से पले बड़े हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ जी, कॉलेज वाले सब कुछ वहीं पे, बाकी हॉस्टल पढ़ा था तो हरियाणा भी गया था। उसके बाद आपका सबसे पहला जो आपने रिकॉर्ड किया गाना, वो कौन सा गाना था, और उसके अगर दो शब्द सुना सकते हो? यार मेरे को ना कसम से पूरा याद नहीं अभी। एक मिनट बात सुनो मेरी, ये जो मैं इंटरव्यू करता हूँ लोगों के साथ, मैं इनको लोगों को दिखाना चाहता हूँ द पर्सनल साइड ऑफ द आर्ट, क्योंकि स्क्रीन पे तो सब देख लेते हैं, सीडी में सुन लेते हैं, लेकिन पीपल वांट टू नो द पर्सनल रफ्तार है कौन, पीछे सीन पे क्या है। तो वो कौन सा ऐसा गाना था जो प्रॉब्ली रिलीज भी नहीं हुआ होगा कभी, लेकिन कौन सा गाना? नहीं, पर उस गाने ने, उस एक गाने ने ये सारी कहानी शुरू करी ब्रो, जस्ट एक गाने ने। मुझे याद है मेरे पास ना DM एक इंस्ट्रूमेंटल हुआ करता था, लीन बैक का, लीन बैक उसका इंस्ट्रूमेंटल था, और वो इंस्ट्रूमेंटल मैंने वर्चुअल DJ पे डाला, और मैंने ना उस दिन एक वो इंटेक्स का माइक खरीदा था, जिसमें वो ऐसे नहीं आता था, वो हेडफोन और साथ में माइक, हेडफोन के साथ में माइक। तो इस तरफ मैंने वो माइक ऑप्शन ऑन किया और बीट चला दी, जब वो चलने लगी ना मैंने कहा यार मतलब मैं तो इसके साथ साथ प्रिंट कर सकता हूँ, और तब जेन्युइनली ये भी नहीं पता था कि यार अलग से लेयर में रिकॉर्डिंग होती है वोकल्स, फिर वोकल ट्रीट होते हैं, अपने को पता ही नहीं। वो वर्चुअल डीजे चल रहा है, इधर है कि आप जो भी मिक्स कर रहे हो, कुछ भी फ्यूजन कर रहे हो, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो एक बारी में। वो लगातार गाना बार बार चले जाना, कहीं सांस चली गई, कहीं रिकॉर्ड कर लिया, पर वो मेरा पहला गाना था, रिकॉर्ड किया, और वो करने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को दे दिया, उसका नाम था रजत शर्मा, वो मेरा 3rd या 4th class से दोस्त था, और उसकी बुआ का लड़का, उसके मामा का, या उसकी उसके मामा का लड़का, उसके मामा का लड़का है लिल गोलू, तो उसके उस गाने की वजह से वो गाना लिल गोलू ने सुना, और लिल गोलू का कोई दोस्त था इक्का, उस टाइम पे इक्का, फिर हम तीनों आपस में मिले उस गाने की वजह से। सो दैट इज द सॉन्ग दैट लेड मी इनटू ऑल ऑफ दिस, और ये सब कुछ हुआ। जबरदस्त गाने का नाम था साडा सड़का ते राज, पंजाबी में लिखा था, साडा सड़का ते राज, एक भी लाइन याद नहीं होती, देखा साडा सड़का ते राज, जिथे गड्डिया चलती उथे साडी आवाज, ऐ साडा देसी सास, सब तो वखरा साडा फ्यूजन अंदाज, मेरे नाल मेरे मीत, मेरे नाल मेरे यार, मेरे नाल लाई बैठे सारे कारोबार, समथिंग लाइक दिस ब्रो, इतना उसको याद है। बढ़िया 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 बढ़िया, फुल पोहेमिया इंस्पिरेशन ना, क्योंकि हम तो इंग्लिश में, दिस वाज द फर्स्ट देसी देसी हिंदी, यू नो, अपनी पंजाबी, अपनी लैंग्वेज में, उससे पहले तो इंग्लिश चल रहा था फुल पावर, सब जेसॉन वाला, जेसॉन भाई वाला स्टाइल, और ये सब उस वक्त सारा वो चल रहा था। तो फिर आपने जब गोलियल गोलू को मिले, इक्का को मिले, तो फिर आप लोगों ने मतलब एक ग्रुप सा बन गया था, या सिर्फ एक फ्रेंडशिप थी जो सारे हैंग आउट करते थे और स्टूडियो में? पहले तो दोस्ती हुई, और आपस में हम रैप की बातें करते थे, और आपस में लिखते थे, आपस में लिख लिया, और गाने साथ बैठ के गाने सुन लिए बहुत सारे,
और क्या कहते उस टाइम पे ना गोलू गोलू ना छत पे रहा करता था अपनी, उसका अलग से मतलब रूम था, तो हमारे लिए वो अच्छा बहुत बढ़िया स्पॉट था। हम सारे वहां इकट्ठे हो जाते थे, उसकी दीवार काली कर दी पूरी पेंट से, उसके ऊपर ग्रेफिटी बना दी, आड़ी टेढ़ी कैसी भी बन रही है कुछ भी हो रहा है। तो मतलब जस्ट दैट फ्रीडम टू क्रिएट। और उसके होम डैड जो थे ना वो बहुत बहुत ओपन माइंडेड भी थे और बहुत अप्रिशिएटिव भी थे। वो बहुत ना अप्रिशिएट करते थे कि हाँ, बना लो, क्या कर रहे हो, अच्छा क्या खाओगे। तो वो सिस्टम बहुत बढ़िया था, और ये लड़का मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो एक वो छोटा सा ना सर्कल बन गया। हम ही साथ अच्छा पे गोलू बाइक पे स्टंट्स वगैरह बहुत अच्छे करता था, हम भी थोड़े बहुत कर अच्छा लेते थे। हम बाइक पे साथ चले आते थे स्टंट करने के लिए, इधर उधर, कभी नोएडा एक्सप्रेस हाईवे, कभी इनके पुश्ता हाईवे, कभी चले गए बेगमपुर हाईवे अपने रोहिणी के साइड। तो वो करते करते साथ में रैप करते करते, जो उनका पूरा एरिया था ना गीता कॉलोनी का, जो ईस्ट दिल्ली का पूरा एरिया है, ईस्ट दिल्ली में लोग हमें जानने लग गए कि ये लड़के हैं, इनका नाम है ब्लैक वॉल स्ट्रीट पेस्ट्रीज, हमने ऐसा बना लिया था। हाँ वो जानने लग गए, और हम उनके पास ब्लूटूथ से गाने इधर उधर फैलने लग गए। अचानक से लोग मिलते थे, कह रहे हाँ भाई मैंने गाना सुना है आपको, बड़ा सही लगता था यार। हम पालिका अच्छा बाजार जाया करते थे, पालिका बाजार जिस भी दुकान जाते थे वहां उन बंदों से दोस्ती हो गई थी, वो कहते थे यार ये सही है, लंबी टी शर्ट ले जाते हैं, बैगी पैंट ले जाते हैं, वो मतलब वो वाला हिसाब किताब था। और वो लोग हमसे हमारे गाने मांगते थे और अपने वहां पे स्टोर्स पे चलाते थे, और पालिका इज लाइक द ग्रे मार्केट। अच्छा, तो आपकी मतलब ये ओके, अब आपको जनता जाने लग गई अपने एरिया में, कॉलेज में जाने लग गए, लड़कियों ने गाने सुने आपके, तो सबसे पहली आपकी जो परफॉर्मेंस जो आपने की लोगों के लिए वो कहाँ थी और कब थी? मैंने सबसे पहली परफॉर्मेंस करी थी कि मेरा एक दोस्त है डीजे आर्यन, उसने मेरा एक गाना रिकॉर्ड किया था, उसका ना कोई वॉर ऑफ द डीजेस था, अच्छा नेताजी सुभाष प्लेस पे क्लब था, क्लब का मुझे नाम नहीं आ रहा, वेट फायर नाम था शायद, आई डोंट रिमेम्बर, को ना नाम याद नहीं आ रहा, डे क्लब हुआ करता था, और उस क्लब में उसका कोई रैप डीजे बैटल थी आपस में, तो ही टुक मी अच्छा देयर एज एन एमसी, तो मैं उसके साथ अच्छा एमसी बन के अच्छा गया था पहली बारी। दैट कैसे मतलब आपको वाज द कैसे फीलिंग हुई फर्स्ट। कि तेरे को फीलिंग कैसे हुई कि पहली बार जनता के सामने डीजे लाइव सेट, मतलब एड्रेनलिन पंपिंग, हाउ डिड यू फील, मतलब क्या था, क्या वर यू ब्रो नर्वस, नाइट नहीं भाई, मैं देखो बिल्कुल ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, रेडी? मैं वहां गया, उसने मुझे माइक दिया, जब उसने बोला था ना कि अपना सेट स्टार्ट हो गया, कि बीच बीच में जहां पे मैं जगल करूंगा वहां पे तू, मैंने कहा ठीक है, वो छोड़ता था, मैं रैप करना स्टार्ट कर देता था, वो मुझे साइड से हाथ मार के बोलता था रुक जा मेरे को ब्लेंड करने दे, बोलिए चेंज तो करने दे, कह रहे यार थोड़ा रुक जा। सो मतलब मैं उस टाइम मेरे को भी पहली बार पता लगा कि यार माइक के आगे कोई ऐसे कोई घबराहट ही नहीं है, मतलब शायद आई एम मेड फॉर दिस, एक होता है ना इनबिल्ट सा वो फीलिंग आ जाती है यार, बचपन में कभी मॉम डैड ने मना नहीं किया कि कभी भी स्टेज पे चढ़ जाओ, सोसाइटी में हमारे जितने भी फंक्शन होते थे, जैसे मैं मलयाली हूँ तो केरला के बंदों का ना पूरे रोहिणी रहा करता था, रोहिणी सेक्टर 18 में एक मलयाली कम्युनिटी होती थी, तो हम अच्छा लोगों के जितने भी क्रिसमस का फंक्शन हो गया, ओनम का फंक्शन, विशु का फंक्शन, ये सब जो फंक्शंस होते थे वहां पे सारे बच्चे परफॉर्म करते थे, मैं भी चढ़ जाया करता था साथ पे, परफॉर्मेंस कर दिया, कभी डांस कर दिया, कभी सोलो कर दिया, मम्मी लालच दे रही है कि बेटा डांस कर ले, चाउमीन खिलाऊंगी, तो घर वालों ने बहुत ऐसे किया कि छाती पहले ही खोल रखी थी कि कोई घबराहट ही नहीं है स्टेज वेद से किसी से। ये अच्छी तो बात है ना, यार देखो क्योंकि हमारे हमारे जो है ना, हमारे लाइक स्पेशली मेरे डैड जो थे, मेरे डैड काफी रिलीजियस थे, तो जब मैंने म्यूजिक शुरू किया तो मुझे दो चपेड़े पड़ी कि नहीं भाई यार आपका तो तुम्हें बहुत कुछ मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड। नो, बट इट्स नॉट इवन दैट, मेरी तो चलो मेरा तो कह लो डिफरेंट है, पर लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है ना उसमें, वेदर यू मुस्लिम हिंदू सिख डजंट मैटर, रिलीजन की नहीं, कम्युनिटी अपने देसी जो होते हैं उनके होता है कि बच्चा कोई इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या लॉयर बन जाए, मतलब वो टिपिकल होता है ना उनके, तो जब बच्चा म्यूजिक के लिए जाता है तो बहुत ही रेयर होता है जो पेरेंट्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं बेटे को, बच्चे को ना, तो क्योंकि यू आर म्यूजिक भी लकी। अलग है ना, म्यूजिक भी अलग है, या तो वही तो हम मैं तो कह रहा जाके हूँ है ना एक उनके ये नहीं हिसाब कि से हम उसे म्यूजिक बहुत फोटो अलग है। दिखाएंगे क्लासिकल गा रहे हैं, कह रैप के कर क्या रहा है तू, कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है तू, समझ नहीं आ रही है, मतलब दिमाग से हटिया गया तेरा, तो बेसिकली ये वही आई थिंक कॉमन। वेरी हाँ इंपॉर्टेंट, तू लकी है क्योंकि तेरे मम डैड ने तुझे सपोर्ट किया, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड अगर सपोर्ट नहीं मिलती ना फैमिली की एंड यू हैव टू क्लाइम दैट लैडर अगेन, ये बहुत मुश्किल होता है, सो आई थिंक यू वर लकी कि आपको सपोर्ट हंड्रेड थी, परसेंट आपको एक और फ्रेंड मैं थी, एक मम डैड बात, की सपोर्ट थी। जो वो सपोर्ट है ना ब्रदर, देखो अंधा धक्का भी नहीं देना चाहिए किसी को। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को बोला कि हम बेटा तू कुछ भी कर, हम तेरे को पूरा खुले में करने देंगे, और ऐसे ढलान से धकेल नहीं सकते वो, ऐसे दे डोंट पुश यू ऑफ द एज। सीन क्या है, वो जब मेरे को बोलते थे ना कि तू कर ले तेरे को जो करना है, उनको वो रिजल्ट मांगते थे। रिजल्ट का मतलब ये होता है कि उसमें से पैसा निकले ना निकले, पर उसमें से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स निकल के आना चाहिए। तो कुछ भी कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्स क्या है,
अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मतलब तू ढंग से नहीं कर रहा, ढंग से नहीं कर रहा तो और बढ़िया से कर, और साथ में तू कुछ भी करता रहे, मतलब यू वांट डांस डांस, यू वांट रैप रैप, यू वांट डू व्हाट एवर यू डू इट, पर पढ़ाई साथ में करता रहे, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो जब पढ़ाई, जैसी पढ़ाई में स्लोप नीचे जाता था वहीं कहते थे अभी रुक जा, अब सिर्फ वहीं ध्यान दे, तो मतलब वो बैलेंसिंग एक्ट बहुत अच्छा था उनका, तो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे ना मॉम डैड ने सपोर्ट नहीं किया, मॉम डैड सपोर्ट नहीं करते। एक्चुअली में क्या होता है, मॉम डैड इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको उस फील्ड का पता ही नहीं कि इस फील्ड में आगे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ नाउ, जैसे महेश जी का बेटा है यार नूपी, सबसे घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, महेश जी का बेटा है नूपी, नूपी म्यूजिक कर रहा है तो महेश जी फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि वो खुद देख चुके हैं कि यार कितना, हाँ इसमें से इनकम भी निकल जाती है, बंदा खुश भी रहता है, आसपास वालों को भी देख सकता है, मतलब एक अच्छी लाइफ जी सकता है, तो वो अब खुल के कर सकता है। अभी आपके बच्चे होंगे, मेरे बच्चे होंगे, तो वो भी खुल के कर पाएंगे क्योंकि हम उनको उस डायरेक्शन में भेज सकते हैं। मॉम डैड की प्रॉब्लम है, एक तो उनके पास वो पैसा नहीं है कि वो आपको उस फील्ड में लगा के दें, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे पहला मतलब लोगों ने समझ लिया कि बहुत पैसा लगेगा। दूसरा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का मोस्टली माँ बाप लोग ये सोचते हैं कि वहां पे बहुत गलत काम होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है, चाहे वो आप सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, कुछ भी हो, पूरी इंडस्ट्री में यही होता है। तो घर वालों के छोटे छोटे डर रहते हैं, तो वो जायज डर है, उसको ठीक करने का तरीका ये है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट पे इतना हाथ पैर मारो और घर वालों को रिजल्ट दो कि देखो आज मैं ये करके आया और मुझे ये अप्रिसिएशन मिली। जब घर वालों की पीठ थपथपाई जाती है ना जनता की तरफ से, जब बाहर आस पड़ोस वाले जब कहते हैं कि यार आपका बेटा तो वाह, तो घर वालों का भी थोड़ा हाँ जिगरा खुल जाता है कि नहीं सही डायरेक्शन जा रहा है। तो हम दोनों को मिलकर करना पड़ेगा जो करना है। मेरे मॉम डैड का भी यही था, मेरे डैड का था, मेरा डैड तो अब तो रिटायर है, लेकिन मेरा डैड डॉक्टर होता था। अब उसे देख लो, डॉक्टर डैड है तो बेटा मतलब यू नो हर फैमिली में एक ब्लैक शीप होता है ना, तो वो मैं था, मेरा भाई है, मेरी बहन है, they're like normal, you know, nothing to do with music, no, nothing like that. मैं देख यार, मैं दिखाता हूँ, ये देख, अरे डॉक्टर तो ड्रे भैया भी है, ये देख, ये मेरी सबसे पहली टेप, सबसे पहली टेप bro. How old? I was 12 bro. 12 साल का था, ये देख, ये एक्स्ट्रा पढ़िए तो एक साइन करके मेरे को भेज दो भाई, क्योंकि ये तो इतिहास है भाई, जरूर जरूर जरूर, ये एक्स्ट्रा पढ़िए तो एक साइन करके मेरे को पोस्ट कर देना प्लीज, भाई हमारी हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए, हम लोगों की हिस्ट्री ये देसी हिप हॉप की हिस्ट्री है ब्रदर, मैं तो यू वर 12, तो ये कितने साल पहले की बात होगी ये भाईजान, मैं अगर आपको डेट बताऊंगा तो तू कहेगा भाई तू बूढ़ा हो गया। नहीं नहीं ब्रो, मैं भी बूढ़ा हो गया हूं, पता कब की है ब्रो? नो नो नो, बहुत बहुत पिक्सेलेटेड है। नहीं मैं दिखाता बताता हूं तुझे, 1994 ब्रो। पैदा भी नहीं हुआ था। अरे अरे नहीं नहीं, मैं पैदा हो गया था ब्रो 88 में, 88 में पैदा हो गया, तो 1994 यानी बेसिकली मैं उस टाइम पे निकलोडियन देख रहा, निकलोडियन भी क्या, डीडी1 देख रहा था, वहां तो केबल नहीं था, केबल देख रहा था उस वक्त भाई। ओए हो ब्रो, मतलब मैं ये ब्रो, लाइक इसको मैंने देखा, बताऊं किसको मैंने देख के ये बनाई थी, अपाचे इंडियन को, अपाचे इंडियन, so yeah, now yeah. You did a song with Apache Indian, great song, Punjabi, is it called Punjabi Girl? Thank you bro, yeah, भाई मैं मतलब मेरे को सामने से मैसेज आया, उनका लोगों ने मेरे को कॉल आया अंकित का, किया वहां से पाजी का फोन आया, मैं कहा ब्रो करना है, हाथों हाथ करना है, अभी डब करके भेज देता हूँ, उन्होंने गाना भेजा, मैंने हाथों हाथ डब करके भेज दिया उनको ब्रो, ये अपाची इंडियन, इसके अंदर क्रेडिट्स मैंने लिखे थे ना, तो मैंने इसके अंदर भी लिखा, मैंने कहा दिस एल्बम इज डेडिकेटेड टू माय मेंटर अपाचे इंडियन, सारा अंदर लिखा हुआ है इसके ऊपर, राइट। तो मतलब है, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, मैं रातों को घर से बाहर, मैं 14 साल का था, मैं घर से नहीं चला गया, क्योंकि मेरे डैड वाज टू स्ट्रिक्ट, यू नो मतलब घर में लेट आऊंगा, बाहर से बंद कर दिया मुझे, तो मैं मेरी बिल्डिंग में रहते थे हम, तो सीढ़ियों में रात को मैं 2-3 बजे रात को मैं सीढ़ियों में सोया हुआ, तो मॉम आपको पता है मॉम तो मॉम होती है, जो मर्जी चुप चुप आके खोल के दरवाजा खोल के अंदर अंदर जाके बंद किया, सुबह उठा डैड वाज लाइक नो नॉट हैविंग इट। फिर वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखो, अगर आपके अंदर एक पैशन होता है जिंदगी में कुछ करने का और आप बिलीव करते हो उसके अंदर, देन आई थिंक यू शुड जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि आपको दुनिया में लोग कहेंगे तो नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते, लेकिन उसको आपको डाउन मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, आपको अपने अंदर बिलीव है ना तो करो। तो वॉच दिस नाउ, ये था 1994 में मेरे भाई, राइट, मेरा बाप मुझे देखने आया, सबसे पहले मेरा शो देखने आया पता कब, 2010 में, इमेजिन ब्रो 1994, 14 साल, मतलब जितना टाइम लगा यार उतना, मतलब है पॉइंट इज, मेरे बाप ने देखा कि ओके, इवेंचुअली उसने देखा कि
मतलब ही इज मेकिंग मनी, ही इज मेड अ करियर आउट ऑफ इट. मतलब भाई पता कैसे पता चला, एक दिन हम गए एक शादी थी, डैड के दोस्त के बेटे की शादी थी, तो हम उधर सारे गए. तो डैड के दोस्त और उसके कजन और उसके बच्चे सारे कहते हैं सर हम फैमिली टेक अ पिक्चर विद योर सन. मेरे बाप बोले पिक्चर विद माय सन व्हाई? उन्होंने आपको पता नहीं है इतना अच्छा करता है म्यूजिक प्लान का. दैट डे माय डैड वाज लाइक रियली, मतलब ही फेल्ट प्राउड कि कोई और बोल रहा है, कोई और बोल रहा है ना. तो शुगर है नहीं रुके भाई. हाँ वाह, यही तो मैं कह रहा ना कि जो बच्चा देख रहा है इस वक्त, जो आर्टिस्ट देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको दुनिया इधर हो जाए, अगर आपके दिल में आपको पता है कि आपने ये करना है तो जाओ करो, और किसी से भी ना रोको. कोई भी ना आपको रोक सकता, सिर्फ ऊपर वाला रोक सकता है, उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता आपकी किस्मत अरे को. लिखी हुई देखो, ऊपर वाला भी कभी नहीं चाहेगा आपको रोकना, आपको वही सिर्फ ना, आप वही ही ना, रोक सकते हो। वही वो ना, भी नहीं फ्री चाहेगा, उसकी रजा में होता ही नहीं है कि वो बिल्कुल तुम्हें रोके। वो मान ही नहीं सकता मैं ये वेले, बात। वही ना, जी करो. गो इफ सी गॉड विल नेवर बी अनफेयर टू एनीबडी, इट इज ओनली यू हु विल स्टॉप यू। देखो क्या होता है, ये ना पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। हम जब रईस बच्चों को देखते हैं, हम अमीर लोगों के घरों के बच्चों को देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो पढ़ते हैं, उनको देख के हमें स्ट्रेस होती है ना कि इतने बड़े घर का बच्चा है। अरे उसके पापा ने या तो मेहनत करी होगी, या तो उसके पापा के पापा ने करी होगी, या उसके भी पापा ने करी होगी। समबडी डिड समथिंग, किसी ने तो कुछ ना कुछ किया हाँ जिसकी वजह से वो चेन बनी। तो अगर आपके घर में वो अगर सिचुएशन नहीं है, तो वो चेन आपको शुरू करनी पड़ेगी। एंड दे समटाइम्स दे से क्वालिटी स्किप अ जनरेशन, राइट? ऐसा नहीं होता है, क्वालिटी वालिटी कोई जनरेशन स्किप नहीं करती है। होता क्या है कि एक जनरेशन इतनी मेहनत कर लेती है कि उनके बच्चे सोचते हैं यार बाप ने बहुत कर रखा है, हम आराम करेंगे, और वो सारा नीचे ले आते हैं, फिर उनके बच्चों को घिसनी पड़ती है। तो सर दिस इज अ चेन, चेंज कम्स फ्रॉम यू। चेंज तो आप में से ही आता है, आप कितना भी रो लो, कुछ भी कर लो, अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके आसपास इतने एग्जाम्पल है जिन्होंने अपॉर्चुनिटी का कुछ ना कुछ करके दिखाया है, ठीक है? बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और राइट प्लेस एट द राइट टाइम का काम भी तभी करेगा जब आपके पास वो टैलेंट होगा सही जगह पे दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई बच्चा मिलकर बोलता है कि भाई मैं बहुत अच्छा रैप करता हूँ, मैं ऑन द स्पॉट उसको कहता हूँ सुना मेरे को, एंड ही इज लाइक कि भाई मैंने वो लिखा हुआ है, याद नहीं करा, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ? ऑल द बेस्ट। पर क्या पता यार उस टाइम पे मैं नहीं, छोड़ो मुझे छोड़ो, कोई कोई भी बंदा, कोई भी कोई प्रोड्यूसर हो जिसको हवाबाजी करनी हो कि यार मैं तो आर्टिस्टों पे पैसा लगा के, मतलब ये मेरे आर्टिस्ट है। कई ऐसे प्रोड्यूसर्स भी हैं और काफी लोगों को मिलते हैं, अगर आप उनको टैलेंट दिखा दोगे तो फिर आपका बाकी का काम बन जाएगा। तो आपको वो उस राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे राइट स्किल्स के साथ होना जरूरी है। यप Speaking of that, let's talk about the right time, skills and stuff. So let's talk about this now. आपने अपने इक्का भाई के साथ गाना किया, लिल बेलू का क्रू था, आपने डांस करा किया, सब कुछ किया. मतलब आपकी जो कहते हैं ना, आपका स्टॉक बढ़ी जा रहा था, सारे लोग मतलब एक पॉपुलैरिटी बढ़ी थी. आप गाने मूर के कहते हैं क्राफ्ट कर रहे थे. एक मिनट, हो, सो एवरीबडी इज कमिंग कमेंटिंग दीप चांडू, दीप चांडू पाजी किदा, सत श्री अकाल टू माय दीप व्यूअर। चंदू इज इन द हाउस. दीप चंदू इज माय ब्रदर मैन. दीप चंदू इज गोना बी ऑन ऑन थर्सडे. तो मतलब भैया हम लाते रहते हैं, अपने भाइयों को दिखाते रहते हैं. तो मैं ये नाइस, बताना सिक्स चाहता सिक्स, हूँ बहुत बढ़िया चंदू, तो भाई। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओके आपने इतना एक 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 लेवल पे आप पहुंच गए ना, आपने इतना 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 वर्क हार्ड किया. अब देन हाउ डिड यू मीट मांझ पाजी? यार मैच बाजी का सीन ऐसा था कि मैं दोबारा से एक तरीके से अपनी जर्नी रिस्टार्ट कर रहा था, और मैं ना मेरा वो सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये नहीं था कि मैं घर वालों को चेहरा कैसे दिखाऊं। मैंने उनको इतनी उम्मीदें दी थी कि ये होगा वो होगा, तो मैंने मैंने ना अचानक से डिसीजन लिया। मैंने घर वालों को बोला कि मैं ना घर छोड़ के जा रहा हूँ, परमिशन के साथ मैं वहां जाके रहूंगा, मैंने इतने पैसे जोड़ रखे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे 3-4 महीने अपनी किस्मत आजमाने दो। और 3-4 महीने किस्मत आजमाने के बाद अगर कुछ नहीं हो पाता तो मैं वापस आऊंगा, और जो आप कहते हो नौकरी वोकरी जो भी है अब मैं कर लूंगा। मेरे घर वालों ने एक बार ही चू नहीं बोली। मैंने उसके बाद सामान पैक किया, दोस्तों के साथ मिलके मालवीय नगर दिल्ली में घर लिया, मैं वहां जाके रहने लग गया। जब मैं वहां रहने लग गया तो ना टूवर्ड्स 2-3 महीने पास हो गए और काम आ रहा था, पर ऐसा काम नहीं आ रहा था जो मेरे नाम से आ रहा हूँ। तो मैं क्योंकि मैं औरों के लिए प्रोडक्शन करने लग गया था, गोस्ट प्रोडक्शन करने लग गया था बाद में, अब मेरे को पता नहीं क्या करूं। जस्ट जब मेरे को जाना था उसके 2 हफ्ते पहले अंकित का कॉल आता है। अंकित खन्ना जो है, जो हमारा मैनेजर है, जो मैंचपा जी का भी मैनेजर हुआ करता था, आरडीपी का मैनेजर हुआ करता था, उसका कॉल आता है, कहता है यार मैं तेरे को ना एक गाना भेज रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, रैप कर दे। मैं उस टाइम पे तत्ता हुआ हुआ था यार, बिल्कुल आग ऐसी थी कि कुछ भी दो फाड़ दूंगा अभी। उन्होंने मेरे को गाना भेजा, वी डूइंग इट बिग। मुझे नहीं पता था वो गाना मैंचपा जी का है, आरडीपी का, ही डिडंट से एनीथिंग। और अंकित को मैं मिला था कॉलेज में अपने अच्छा दोस्त के थ्रू,
विवेक भैया के थ्रू, विवेक भैया भी अपने साथ ही काम करते हैं आज भी, और वो तब साथ लाइक वो तब डीजे हुआ करता था बाली सागुपा जी के साथ, तो हमारी तब यारी दोस्ती हो गई। अंकित, अंकित यस, अंकित वाज अ डीजे विद बाली सागुपा जी। हाँ मिले मिले हो ना आप अंकित से? तो उसके बाद क्या कहते हैं, कॉल आया, मैंने वो गाना लिया, मैं गाना डब किया, वापस भेज दिया। अंकित का मेरे को कॉल आता है कि यार बहुत अच्छा लगा उनको, तो एक काम करते हैं वीडियो शूट करने की कह रहे हैं वो लोग। मैंने कहा है, मैं कहा किसका गाना है बता तो दे, हालांकि मैं आवाज सुन के समझ गया था किसका गाना है, बट जस्ट टू बी श्योर मैं उससे दोबारा पूछ रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नाउ ही इज मैनेजिंग आरडीबी, तो वो मुझे पता नहीं था। मुझे पता था कि वो बली सगो का मैनेजर था पहले, तो वो वाला सीन बलीपाजी का मुझे पता था भाई। मैं उसने बोला कि मैं तेरे को पैसे भेज रहा हूँ, कपड़े ले ले और बस वस में मत आइयो, टैक्सी करके आ जाइयो। बादशाह भाजी किस्मत हो वहीं थे उस टाइम पे दिल्ली में। मैंने कहा भाजी मेरे को सुबह सुबह जाना है, मैं निकल रहा हूँ। कह रहे कहाँ जाना है? मैंने कहा भाजी मेरे को चंडीगढ़ जाना है, मेरी वीडियो शूट है ऐसे ऐसे। बादशाह भाजी चंडीगढ़ ही रहते थे पर वो दिल्ली आए हुए थे, कहते कोई ना मैं तेरे को छोड़ दूंगा चल। भाई उन्होंने मेरे को गाड़ी में बैठाया, मैं रस्ते में थोड़ा सा सो गया, वो मेरे को वहां तक सेट तक ले गए। जब मैं सेट पे पहुंचा ना, तब मुझे यकीन हुआ कि ये आरडीवी के साथ गाना है मेरा, क्योंकि वहां पे मैंच पाजी मिले, सुरच पाजी मिले और निंडी भाभी मिली। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ सेट जहां मुझे पता नहीं था और मेरे लिए इंतजार हो रहा था। वो यू नो यूके वाला पार्ट उन्होंने यूके में शूट कर लिया था, यूएस वाली वीडियोस उन्होंने मंगा ली थी, बाकी सबका शूट कर लिया था सिर्फ मेरे लिए। मेरे साथ ऐसा पहले नहीं हुआ था भाई, पहले अलग चीजें हुई थी, मेरे लिए एक शूट रखा गया है, वहां पे बंदे फ्लाई करके आए हैं। सामने से बंदों ने पूछा कि भाई तेरे को मुझे पता है कपड़ा उपड़ों की दिक्कत होगी तो कपड़े ले लियो और परेशान होके मत आइयो बसों बसों में। सामने से बंदा बोल रहा है भाई मेरा तो दिमाग की हट गई यार, वो 20,000 रुपए मेरे लिए 20 करोड़ बन गया। मैंने कहा भाई यही जाना है, यही है माता पिता, और ऐसी क्या ट्रीटमेंट थी वो, मतलब एक होता है ना यू गो देयर एंड यू फील गुड मैन। इसके बाद उन्होंने यार मेरे को बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना बेटे की तरह रखा है, बेटे की तरह, मतलब मेरे को कोई शर्म नहीं है बात कहने में। मैं लोगों को बार बार बताता हूँ क्योंकि लोग इन चीजों से अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं। मैंने उनके दिए हुए कपड़े पहने, जूते पहने, उनके चश्मे, घड़ियां, वीडियो के अंदर मतलब हद नहीं होगी। उनके पुराने भी पहने, उनके दिए हुए नए भी पहने, मैंने मांग के पहने कि पाजी मेरे को थोड़ी टी शर्ट दे दो, पाजी जीन्स दे दो, खुल के कोई दिक्कत नहीं यार, अपने भाई से मांग सकते हैं। तो वो मेरा वो रिलेशन बना उनसे यार, और मैं मिला भी तो क्या मिला, उन्होंने पाल ही लिया मेरे को। अब मैं उनका बेटा हूं, हम चाहे अलग अलग कंपनीज हमने खोल ली है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो एक दूसरे से बात बिना किए बिना हो। वो गाना बहुत बढ़िया, बहुत हिट हुआ। उसके बाद आपका गाना है स्वैग मेरा देसी, right? Yes, sir. That song, सबसे bro. पहला गाना मैच पाजी के साथ वी डूइंग इट बिगाया था, फिर हमने तमंचे पे डिस्को किया था भाई जी, फिर हमने बीबीएम किया था, बीबीएम गल मित्रों था निंदी भाभी के साथ, निंदी पाजी का गाना था, निंदी पाजी हाँ उनके साथ वो गाने किए, उसके बाद मुझे वो स्वैग मेरा देसी मिला। यस दैट वाज लाइक कैसे आए उसके, मतलब गाना आपने लिखा हुआ था या मैच ने बीट भेजी या इकट्ठे बैठे? नहीं 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 हम एक्चुअली हम ना बॉम्बे में थे यार, हम बॉम्बे में आया हुआ था मैं। ये तमंचे रफ्तार एक सेकंड, ये होता है इंस्टाग्राम पे अगर घंटे ज्यादा ऊपर हो जाए ना बात तो कट ऑफ कर देते हैं, तो अगर कट ऑफ हो जाए गलती से तो मैं वापस आ जाना बैठे हुए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, जब आ जाएंगे वापस, जिसको भी बात सुननी हो तो सुनते रहे, जिसको मजा नहीं आ रहा है हमारा पता कुछ मीम बनाने लाइक मिल जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे लाइव ना कंटेंट के लिए देखते हैं, मतलब के लिए नहीं। और ऊपर से ये तो बता ना मेरी हिंदी कैसी है? अरे हिंदी एकदम चकाचक है मेरे भाई, कोई नहीं कह सकता तुम कनाडा से हो। मेरा भाई वही पला बड़ा है कनाडा यूके से, एकदम मस्त बंदे, और हम पहली बार मिले थे देसी हिप हॉप के लिए। तो मैं बॉम्बे आया हुआ था, ये इसी का शूट था मेरे ख्याल से, तमंचे पे डिस्को का शूट था, और अंकित मुझे मीटिंग कराने लेके गया जग्गी भाई से। जग्गी भाई एमटीवी में काम करते थे और वो एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे थे स्पोकन वर्ड, स्पोकन वर्ड पे पहला गाना आया था हनी भाई का, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो एक बड़ा सेटन जैसा एक मतलब सेटन ही था उसका, ऐसी कहा ऐसी कुछ आया था पहला आया था। तो सेकंड वो सारे रैपरों को कवर कर रहे थे, मुझे बादशाह भाई की बात जानता मेरे पास है, तो मैंने कहा यार मैं कुछ अलग करूंगा, ऐसे करूंगा, कुछ इस टाइप का करते हैं, ठीक है। हम दिल्ली गए वापस, मैच पाजी स्टूडियो में मिले, उन्होंने बीट बना रखी थी, उन्होंने बीट बनाई, मैंने कहा पाजी मैं यही लिखता हूँ। पाजी ने मेरे को बोला भी कि ब्रो यू शुड राइट समथिंग फास्ट लाइक योर नेम शुड यू नो उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। मुझे भी ऐसा था कि यार मजा आएगा,
तो मैं वहीं पे बैठ के सोफे पे लिखने लग गया। मैंने पाजी को सुनाया, पाजी कह रहे ओ शिट ओ डैम। वो गाना रिकॉर्ड, वो गाना वहां बनाने के बाद वहां पे अपने सर्ब पाजी बैठे हुए थे, सर्ब स्मूथ पाजी। तो सर्ब पाजी से हम कह रहे कि यार इसका कोरस क्या होना चाहिए, कोरस क्या होना चाहिए, हम कोरस सोच रहे हैं। तो कह रहे फ्लो अंतरराष्ट्रीय स्वैग मेरा देसी, आई लव इट मैन, इट शुड जस्ट बी स्वैग मेरा देसी, स्वैग स्वैग। मैं कहा देन इट बिकेम लाइक द कोरस एंड वहीं रिकॉर्ड किया उसके। एक दो लाइनें गा दे भाई, एक दो लाइनें गा दे। सबको तेज वाला ही सुनना होगा, मेरे को बीच से दी तेरी बंदी मेरी, तू मेरा साला और पूरी नहीं है, मैं बड़ा फैला मेरा चला और फोटो पे चढ़ाऊं तेरी फूलों वाली माला, अभी खालत ना कर चिन्ने वाला, इन्हें वाला क्योंकि अभी तक जो भी सुना तुमने फ्रॉड है, घर चलो बेटा यहाँ मेरा नहीं तोड़ा है भाई, तेरा इंडिया में रैप कर, हिंदी वाला तुम्हें लगा बस मैंने रैप गॉड है, ओ तेरा। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देन आपने वो गाना रिलीज किया, उसके बाद मुझे पता है उस गाने की वजह से आपको इवन मोर शोहरत, मोर पॉपुलैरिटी, लोग बहुत और लोगों ने आपको जाना। शोहरत वोहरत बाद में आई भाई, पर इज्जत, इज्जत और वो प्रेजेंस जो बहुत जरूरी थी ना, क्योंकि मैंने कभी इस चीज पे, मैंने और अंकित ने ना रश नहीं किया। अंकित मेरे को बोलता था कि सबर बहुत जरूरी है, कि जैसी एक गाना आया तो शो करने लग गए। होता क्या है भाई, छोटे रेट से शो खुल जाता है फिर हम फंस जाते हैं, वो ब्रैकेट तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, आपको पता है, फंस जाते हैं। तो अंकित ने ना मेरे को रोक के रखा, और ऊपर से क्या था, मैं मैंच पाजी के साथ जितने भी शो किया करता था, हर शो का मुझे छोटा छोटा एक अमाउंट मिलता था, कि मतलब कभी स्टार्ट हुआ 25,000 से 35 हो गया या 50 चला गया, ऐसे ऐसे करके साल दर साल वो बढ़ता गया। और मैच पर जी काफी शोज करते थे, तो उनके साथ मेरा वो चल जाता था, तो मेरा वो बड़ा अच्छा खासा हिसाब था। और मैं कभी कभी उनके लिए जो गाने लिखा करता था, तो वो मेरे को बोला करते थे कि यू हैव रिटन दिस सॉन्ग दिस सॉन्ग दिस सॉन्ग, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी आई एम गोना गिव यू। लिरिक्स लिखने के उस टाइम पे मेरे को वो 40,000 रुपए देते थे भाई कभी कभी, तो मतलब समझ रहे हो। तो मेरा बढ़िया चल रखा था, वो बंदों से ऐसा पाला पड़ गया जो हर चीज फेयर एंड स्क्वायर, मतलब अंकित की बहुत सीधा 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 हिसाब है कि वो कुछ भी काम करता है तो पेमेंट काम, पेमेंट काम, ताकि किसी के साथ कुछ खराब ना हो, ट्रांसपेरेंट और सब पेपर्स पे हो। तो यार अब ऐसा अगर आपको लोग मिल गए हैं जो सबको ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं, जो आपको माँ बाप की तरह प्यार कर रहे हैं, भाई बहन की तरह कर रहे हैं, आपकी हर चीज पूछ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, घर पे भी आ रहे हैं जब मैं उनको बुला रहा हूँ। चाहे मेरा घर मैंने दिल्ली से बाहर लिया था भाई, तो मैंने महेश पाजी के जाके बोला कि पाजी जो पैसे थे वो जोड़ जाड़ के मैंने घर पे इतने पैसे दिए हैं, हम सब ने मिलकर एक घर लिया है, कुंडली, कुंडली करके एक जगह है दिल्ली से बाहर, सोनीपत में पड़ती है हरियाणा में, घर लिया है, प्लीज आना। दे केम ब्रो, दे केम, वो यूके से आते थे शो करते थे, पर वो तैयार हो गए, होटल से अगले दिन पहुंच गए, मुझे फैमिली मिल गई थी भाई। तो अपना ना पूरा जितना भी सारा एनवायरनमेंट है, काम करने का तरीका ना, बड़ा फैमिली वाला हो गया। दैट्स वेरी गुड। उसके बाद आपका मतलब है स्वैग मेरे देसी के बाद और कोई प्रोजेक्ट है, तो दिस इज स्वैग मेरे देसी, और जब मैन से आप मिले हो ये उस टाइम में था जब आप हनी और एवरीबॉडी वाज टुगेदर, या उसके बाद था? उसके बहुत बाद मेरे को मैन पाजी मिले थे 2012 में, 2012 में। अच्छा, अच्छा। और मेरा उधर सारा सब कुछ अलग हो गया था 2011 में, मतलब एल्बम आने से, एल्बम के बाद, मतलब बस समझ जाओ यार 11 में हो गया था। ठीक है, तो आप बादशाह को आप पहले से जानते थे या उसके क्लिक में मिले थे आप सारे एक दूसरे? नहीं नहीं, क्लिक में ही मिला था, क्लिक में ही मिला था, और वो बेसिकली चंडीगढ़ रहा करते थे, तो इतनी बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ फेसबुक पे बात हो गई, ऑरकुट मैसेंजर पे बात हो गई, और व्हाट्सएप पे बात हो गई, क्योंकि फेसबुक पे नंबर मांग लिया हमने, आपस में बात कर ली, तो ऐसे उनसे मिलना हुआ था। और एक शूट के सिलसिले में जब गए थे वहां पे, चंडीगढ़ गए थे, शूट तो नहीं हुआ पर बादशाह भाई से मिलना हो गया, तो उस दिन मैं पहली बार उनसे मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब गाने, कोई ऐसा मतलब आप लोगों के गाने ऐसे पड़े हुए आपके हनी के, इक्का के, सारे के जो पड़े हुए हैं जो आपने कभी रिलीज नहीं किए, जो सारों ने किए हुए इकट्ठे? मतलब वो तो पाजी के पास ही होंगे, हमारे पास तो नहीं है। नहीं, मतलब पाजी के पास है, पर अभी यार हाँ, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, छोड़ दो ना भाई ये वाली बात ही, छोड़ दो, सिर्फ इस तरीके से बोल देता हूँ कि वी हैड अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, हमने बहुत फन किया, फन 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 में ना काम हो जाता है, पर वो काम के रिजल्ट के बाद थोड़ी लड़ाई हुई, बस यही सीन था। काम करते टाइम बहुत मजा आया, उसकी को कोई कंप्लेंट नहीं है, काम करने में जो सारे बंदे बैठे हैं स्टूडियो में एंजॉय करते हैं, सारे बैठे काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है, तो इट वाज गुड, इन दैट वे इट वाज गुड। ये लाइफ में होता है, हर बंदा लर्न करता है। ठीक है, तो उसके बहुत कुछ यार स्टूडियो का एक्सेस, थोड़ा आपका एक सेकंड, थोड़ा आपका जो सिग्नल्स आर एलएल वीक, आई थिंक, नो यू गुड, आई एम गुड, यू ओके ना, सेट हो गया, बोलो बोलो,
अपसेट हो गया, ठीक है पिछला वो कर गया। स्वाद मेरा देसी आया आपका। अच्छा इससे पहले मैं पूछना कहना चाहता हूँ कि मुझे खास बीबीसी एशियन नेटवर्क से मैसेज आया कि एक आपकी बहुत बड़ी फैन है बर्मिंगम में, उसका नाम है मेगा सविस्तवा, आई थिंक इसका कुछ, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, तो अगर आप उसको मेगा शाउट आउट दे दो श्रीवास्तव, मेगा। ऐसे मतलब जैसे आपने बोला श्रीवास्तव हो सकता है, उनके भी बंदे यार दोस्त जो है वो सब भी ठीक हो और उनके भी आगे सबको ठीक हो। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड होपफुली जब भी मैं यूके आऊंगा तो मैं और रोच भाई साथ में कोई शो करेंगे या साथ में भी सड़कों पे घूमने निकलेंगे, तो प्लीज आपसे मिलना जरूर। ठीक है जबरदस्त। अच्छा तो स्वाद मैंने देखी के बाद क्या प्रोजेक्ट था, खातिरदारी की तारीफ मैं कर नहीं सकता लाइफ में, पर लाइफ में वरना रोज भाई बहुत बढ़िया खातिरदारी करते हैं। माय जी वो गेट टू दैट, वो गेट टू दैट। तो अच्छा स्वाग मेरे देसी के बाद उसके बाद क्या प्रोजेक्ट आया आपका? ब्रो सैग मेरा देसी की बात ना, मैं ना काफी फीचरिंग्स और कर रहा था, मैंने मैंच भाई से बात कर ली थी, मैं अंकित को ही बोलता था अंकित ब्रो आई विल हैव टू डू दीज फीचरिंग्स, क्योंकि मुझे काफी घर वालों को प्रेशर वेशर हटाना है, मेरे को वहां भी पैसे देने हैं, जो भी करना है मेरे को काम करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो। तो मैं कुछ कुछ ना फीचरिंग्स करा करता था, काफी मैंने आर्टिस्टों के साथ किया है, उनसे कभी किसी से कोई अमाउंट, कभी किसी से कोई अमाउंट, कभी किसी से बिल्कुल ही ऐसी यारी दोस्ती की पैसे मांगे नहीं जाते थे कि यार कैसे कर पाऊं, नहीं मां पैसे नहीं मांग पाऊंगा। और मैं ना भाई बहुत बुरा हूं, मैं किसी को ना नहीं कर पाता, मेरी बहुत बुरी आदत है, और उस चक्कर में मैंने इतने काम मुफ्त करे है ना, मतलब दिल की तसल्ली होती है, पर यू नो व्हाट आई मीन मैन, समय लगा सीखने में, समय लगा, इसमें ये भी होता है कभी कभार हम दिल से काम करते हैं तो अगला दिल से दिमाग से काम करता है, ये भी हुआ काफी बार हमारे साथ, मेरा तो नाम दिल में म्यूजिक में ये होता है हर बंदे के साथ हमेशा होती है। रफ्तार ऐसा करते हैं मैं एंड करके राइट आकाम से कि मैं आ जाओ जाओ भाई वापस आ रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में वापस आ रहे हैं भाई, ओके आदियोस। Yo, Sikandar Kalon's on, so shout-out going out to Sikandar Kalon. Shout-out going out to Sikandar Kalon, man. I love Sikandar, man. Such a good boy, man. Such a good-hearted soul, man. Sikandar Kalon, one of the best rappers, man. I love his style. Bahut badhiya rapper tha. Bahut sahi banda bhi hai. Haan, wahi to main keh raha na. Yaar, hamare desh se khul ke, hamari badi khul ke baat hoti hai. Yeah, matlab woh hai, he calls a spade, bro. वही मैं कह रहा ना, यही होना चाहिए ना यार, एक होता है ना हम काम करते हैं बिजनेस के लिए, एक होता है कि बंदे का दिल मिल जाता है। डेफिनेटली 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 वो सिकंदर जैसे दिल मिल जाता है, तो ये आई लव दैट गाय मैन, इज मैड लव टू सिकंदर। अच्छा सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्वैग देसी, उसके बाद आपका अगला प्रोजेक्ट आपने फ्यूचर्स क्या कहते हैं फीचर्स यू स्टार्टेड टू फीचर्स डिफरेंट करी, हां जी। फिर एक दिन मुझको मैनेज भाई का फोन आया, कहता है कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड वाइड हिप हॉप गाना बना रहा हूँ, जैसा डीजे खैलेड नहीं बनाता, ही गेट्स सारे एकॉन और सारे सारे रैपर्स में लेके लूडक्रिस एंड यंग जीजी सारों को रैप, उसका मैं गाना बना रहा हूँ, तो मैं तुझे बीट भेजता हूँ। उसने ये नहीं बताया मुझे कि कौन कौन होगा गाने के ऊपर, मैं बस गाना भेज रहा हूँ तुझे, तो ऐसा कर तू मुझे भेज दे गाना अपना करके ना फौरन। वही मैं भी तेरी तरह ही हूँ ना, मैं भी घर में ही स्टूडियो भी रखा हुआ है, तो उसने मुझे बीट भेजी, लिटरली प्रॉब्ली घंटे के अंदर मैंने उसे करके मैंने भेज दिया, तो मुझे मैसेज करके वापस कहता है bro like that huh you work like that मैंने कहा भाई जिसके अंदर भूख होती है ना, हंगर द हंगर भूख भाई भूख भूख जब होती है ना तो बंदा हर चीज खा जाता है, ठीक है ना। तो वो गाना MTV spoken words के लिए बन रहा था, मुझे उसने सिर्फ ये बताया था, मुझे ये नहीं बताया कौन कौन होगा, उसने कहा मुझे I'm gonna get it the best of the best लूंगा मैं वर्ल्ड वाइड से। तो जब गाना बन के तैयार होके आया था मुझे भेजा, तो गाने के अंदर मैं भाई शुरू किया, फिर मैं था, फिर रैक स्टार था, फिर हम्बल द पोएट, फिर सार्ब स्मूथ, फिर बादशाह एंड देन यू बिग टिलो, फिर बिग टिलो, फिर सार्ब स्मूथ, फिर मैं वो ना भूल गया बिग टिलो। इसी बात पे मेरे को एक बढ़िया बात याद आई भाई, मेरा आखिरी वर्ष था ना, हाँ मेरा आखिरी वर्ष था ना, उसमें मैं मैच पाजी के साथ साइन था शायद, तो मेरा तो पहला होना चाहिए था एक तरीके से, है कि नहीं। मैंने कुछ बोला, मैं खुश था कि मैं आखिरी वर्ष है,
मैंने बोल दिया जिसको जो समझना था समझ गया। मेरा आखिरी वर्ष था देसी हिप हॉप पे, जो हमारा बहुत बड़ा गाना था और क्या कहते हैं मैंसपाजी का गाना था, मैं मैंसपाजी का आर्टिस्ट था और हमने वो ब्रिटेशिया पे परफॉर्म किया जहां पहली बार मैं गया हूँ, पहली बार देश से बाहर यूके गया था मैं 2014-15 में, वहां मैंने परफॉर्म भी किया है और तब भी आई वाज ओके। खुशी से मैंने बोला हाँ पाजी मेरे को आखिरी चाहिए, क्योंकि आखिरी या पहला काफी कल्ला मैं अकेला मैंने लिखा भी ऐसी था, यू रिमेम्बर ब्रो दैट इज द लाइक हाउ रियल एमसीज आर, पहले आखिरी से फर्क नहीं पड़ता, नहीं कोई फर्क था। पहला पहला पहले मैं था, मुझे भी ये भी नहीं था कि मुझे मैंने को ये भी नहीं कहा कि मुझे पहले डाल दे सर, मैंने बस भेज दी उसके पास। उसने कहा कि जमीन से मैं तुझे पहले डाल रहा हूँ कि तुम मेलेडी के साथ आ रहे हो तो मेरे साथ ब्लेंडेड होता है, जैसे कोरस खत्म होता है मेलेडी आती है। अरे ब्रो मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था क्योंकि पहला आखिरी ऐसे ना बहुत कुछ चल रहा है, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल पीपल एक रियल रैपर जो होता है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाना पहला आखिरी, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा होगा तो लोग आप तक सुनेंगे। और हमारे टाइम पे इतना हिप हॉप भी बिक नहीं था, मैं 6 मिनट के गाने पे लास्ट में आया था। हाँ ये भी बात है, कमिंग देखो ये एक ऐसा गाना है जो एपिक गाना है, तो गाना दोबारा कोई बना ही नहीं, मतलब दैट लेवल बहुत है आजकल देसी हिप हॉप एंड आर्टिस्ट कोलैबोरेशंस एंड मतलब हर किसी को लॉट ऑफ क्रूज आर डूइंग गुड बट दैट वाज द दैट वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग वंस, पहला वो था। या एंड आई थिंक दैट वाज मोर ऑन अ कमर्शियल वर्ल्ड वाइड लेवल था ना, क्योंकि वो अंडरग्राउंड था जो रैपर सारे कर रहे हैं ब्रो। तो बात इसी की बताते हैं ना, तो रफ्तार वाज द फर्स्ट टाइम आया यूके में, तो सबसे पहला रफ्तार को मैं ही मिला था, मैं मिला सकता नहीं, नहीं बात बाकी बातें नहीं बतानी है, सिर्फ म्यूजिक भी वाली बतानी है। रफ्तार को मैं मिला, रफ्तार को मैं जाके होटल मिला, मैंने कहा क्या करना भाई कुछ करते हैं, दिखाते हैं खाते करते हैं, हम गए पूल खेलने गए थे, स्नूकर खेलने गए थे, आप मैं हम्बल पाजी हम्बल भाई, आप मैं हम्बल स्मूथ पाजी स्मूथ पाजी, फिर उसके बाद तुझे तुम लोगों को खाना लेने के खाना लेके गया था, वी हैड सम गुड फूड मैन, उसके बाद ओह ब्रो यस आई रिमेंबर वो द फ्राइज एंड द शावरमा द बिग वन, या या आई रिमेंबर, बहुत सही ब्रो बहुत सही, मेरा कभी रोजा चल रहा है भूख लगी थी नहीं ओ लेकिन खाने की बात नहीं करेंगे सो सॉरी, नहीं 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 ब्रो doesn't matter bro, doesn't matter, but इतना हमने फन किया। तो उसके अगले दिन था ब्रिटेश, आई थिंक 2013 था कि 2014 था मेरे ख्याल से, या 15 था मेरे ख्याल से 2015 था भाई मेरा पहला अवार्ड था वो। हां तो यू वन द बेस्ट इंटरनेशनल अवार्ड फॉर स्वैग मेरा, या बेस्ट इंटरनेशनल एशियन आर्टिस्ट स्वैग मेरा भी सी, कांग्रेचुलेशंस टू रफ्तार फॉर विनिंग बेस्ट इंटरनेशनल एशियन एक्ट एट ब्रिटेश, एंड देन उसके बाद हमने परफॉर्म भी किया था। ऐसा करते हैं yes. मैं अपनी पहली लाइन बना दूंगा, लिरिक्स बोलते हैं फिर आप अपनी वर्स बोलो ठीक है जनता के लिए। ओके ओह मेरा वर्स क्या था, ठीक है ठीक है आई ट्राई ब्रो आई ट्राई, रेडी ओके। तो उसका मैच म्यूजिक का कोरस आता था, यू नो वी द बेस्ट ना कर लो अरेस्ट नो अरेस्ट नो आधे ज़माना सटा तो सिकर अरेस्ट नो पाया बोता कर दे दुकान करो बंद एक थर्टी वर्टी तो बंदा सटा मन Then I came in, I went, yo, 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 sap vangu vada, tera rasta me katta kali billi vangu bad, bad luck tere naal panga, rakha kara number 2 ka dhanda, bachcha bachcha tera fan ik pakha, maru main to chakka jaise cricket ke maidan mein, Eminem, Tupac, Biggie, Nas, rappers ki ye shaan hai, isse kehte hain hip hop kyunki public to nadan hai, baki other rappers ko ye jung ka elan hai, phir chorus aata hai, then you came, आपकी माए वो सोच आखिरी या पहला काफी कला में अकेला रिस्पेक्ट बड़े आनु पांदरा नु दवा अकेला एबीसीडी वाला रैप ना करो तुसी रैड दो खेड में खड्डा माता नु अकड़ बकड़ कैच माय फ्लो जब से करा मेरा रैप शुरू तब से ही डर रहता है मेरे सबकी आंख में अपनों का अपना में तेरा पूरा सपना में जिसका तो फैन उसके फटे मेरी बात से ओ बात सुनो मेरी जान से बार करूं तुम पे मैं शब्दों के बाण से टांगों के नीचे से निकलेगी धरती और बचा बच को हूं तेरा निकलेगा आगे वाली लाइनें सारी सुनो स्लो मोशन में लेने वाला नकली रैपरों की बिना लोशन के दर्दनाक हूं मैं देख आंखें खोल के सूखा सूखा बड़ा दुखा है ना बेटा बोल दे यह इलेक्शन ड्रामा होने वाला है रा देसी हिप हॉप का ओबामा होने वाला है मेरी दीदी मेरी बहुत बड़ी फैन है तो खुश हो जा पगले तू मामा होने वाला है नमस्ते पापा ब्रो यार अपा आप भी तो सताते ब्रो नो बट दैट वाज एपिक आई थिंक इट वाज एंड इट वाज गुड बिकॉज़ It was good because East rappers, जो आप लोग Indian से rappers जो थे, then we got to connect on the West side, so दोनों market cross marketing हो गई, तो बहुत बहुत अच्छा था और गाना तो
हिस्ट्री है ब्रो, मतलब हिस्ट्री है, इट्स सच हैप्पीनेस कि कल को इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप का जब सब कुछ छाना जाएगा तो हिस्ट्री के इनिशियल पन्नों में हमारा नाम आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, हमसे कोई नहीं ले सकता, नहीं वो कोई ले ही नहीं सकता ना। अच्छा तो देसी हिप हॉप मतलब आया, डन डन रियली वेल। उसके बाद थैंक्स टू मैन पाजी फॉर अलाउइंग अस टू बी ऑन पार्ट ऑफ दैट एंड पुटिंग दैट ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। तो उसके बाद आपका मतलब है यू डिड ऑल दैट, उसके बाद वेयर डिड योर करियर गो फ्रॉम देयर, कहां आगे आगे क्या मतलब एल्बम आपने ड्रॉप की या वो हुआ 2015 में, 2015 में वो गाना आने के बाद ऑलरेडी स्वैग मेरा देसी वगैरह का अच्छा रिस्पांस था और काफी जो मैं फीचरिंग वाले गाने कर रहा था वो काफी अच्छा रिस्पांस था उनका, लोगों को काफी पसंद था और लोगों को ये भी पता था कि मैं डांस करता हूँ पहले, क्योंकि मैंने डांस सीन डांस किया हुआ था। फिर मेरे पास आया झलक दिखला जा, हम होली का शो करने गए हुए थे दुबई, आई रिमेम्बर जब कॉल आया कि ब्रो वहां से कॉल आई है तेरे लिए, क्या कहना चाहता है, मैं कहा मैं प्लीज बिल्कुल करना चाहूंगा। तो मैंने कहा यार वो भी मेरा टैलेंट है, मैं सारे टैलेंट दिखाना चाहता हूँ ना, मैं तो सब कुछ करना चाहता हूँ जिस चीज में मैं अच्छा है, मैं क्यों एक ही चीज के पीछे पड़ू, करना ही करना है, पर डांस तो इफ आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी व्हाई नॉट। तो भाई फिर उसके बाद वो हुआ, फिर मैं झलक दिखला जा किया, झलक दिखला जा खत्म होने के बाद केम बैक टू दिल्ली, तब तक फिर ऑल ब्लैक वगैरह जैसे गाने कर लिए तो उससे और रिस्पॉन्स बढ़ने लग गया, फिर वो करने के बाद दिल्ली रुक गया, फिर गाने करते गए करते गए। 2016 में मेरा क्या कहते हैं डील साइन हुई जी के साथ, उससे पहले काफी मूवी वगैरह काफी गाने कर लिए थे, 2016 में डील साइन हुई जी के साथ और उसी के साथ ही मेरा सोलो सफर जो है वो शुरू हुआ। मैंचपा जी से बात हुई, मैंचपा जी का भी वो डिस्प्यूट हो गया था आरडीबी वाला पूरा, तो वो भी स्प्लिट हो गए थे, वो रेकॉर्ड लेबल डिसॉल्व हो गया था। उसके बाद मतलब आई वॉज फ्री, तो मैंचपा जी ने भी बोला कि यार ऑफकोर्स जो वो कर पाएंगे वो तेरे लिए ज्यादा बेटर है, इट विल बी बिगर, सो डेफिनेटली गो फॉर इट, एंड ही वाज ऑल गेम। तो मैंचपा जी ने बोला जा कर, मैंचपा जी ने ही बात भी करी थी पहले, उसके बाद अंकित ने बात करी, तो यू नो इट वाज द फैमिलीज डिसीजन फॉर मी टू गेट साइन टू अ लेबल एंड देन आई गॉट साइंड एंड देन ब्रो आई नेवर लुक बैक। तो वहां तक पहुंचने के लिए मतलब मैंचपा जी का भी इंडिपेंडेंट लेबल और उससे पहले हम भी लगे हुए खुद ही, तो इट वॉज डिफरेंट डिफरेंट यार, मतलब आज सीन अलग है, तब सीन ही अलग होते थे ना, पता ही नहीं था कि लेबल पे पहुंचे ही कैसे, जर्नी है ना यार, एक सफर है ना। अपने पास तब था भी नहीं ना यार, इतना सोशल मीडिया नहीं था ना कि इतना ब्लो अप हो रहा है, उस जमाने में 4 लाख व्यूज 1 लाख व्यूज आते थे तो हम पागल हो जाते थे कि गाना सुपर हिट हो गया, बैनर लग गए इधर उधर, थैंक यू फॉर 1 लाख फॉलोअर्स, थैंक यू फॉर 1 लाख व्यूज। वो टाइम अब बराबर लोग 100-200 में खुशी हो रहे हैं, अगर आप मिलियन नहीं होता व्यू तो बंदा अपने आप को लटकाना, खुशी नहीं होता, ऐसे हो जाता कि यार मेरे में कोई कमी रह गई, शायद लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे। अरे यार आपका आर्ट जो पहले इतने व्यूज ला रहा था, आर्ट थोड़ी बदल गया है, लोगों की पसंद बदल सकती है, नई जनरेशन आ रही है, वो अलग चीजें सुन सकते हैं, अलग चीजें देख सकते हैं। अब वो एक ही, अगर सोचो हम सिर्फ अमिताभ सर को देखते रहते तो ऋतिक नहीं आते, ऋतिक सर को देखते रहते तो आगे वाले नहीं आते, तो ये तो एक पैटर्न है ब्रो, तो उसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का। और आप सबको बता रहा हूँ, कोई भी अपना आर्ट कर रहे हो ना भाई, तो पहले चलो बस, इतना नहीं सोचना। 100% man, 100%। अच्छा, so अब आते हैं हम आपकी एल्बम के बारे में, आपने अभी एक एल्बम रिलीज की अपनी, मिस्टर नायर तेरा लास्ट नेम है? नायर इज माय लास्ट नेम ब्रदर, यस मिस्टर नायर। तो एल्बम अभी 13 अप्रैल को रिलीज हुई है, करेक्ट? हाँ जी 13 अप्रैल को रिलीज हुई है, मैंने उसको सुना है, मुझे काफी पसंद आया, इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब है so a couple of commercial songs and more like up tempo, certain more hard hip hop songs, couple of collaborations aapne kiya, to matlab us album jab aap kar rahe the to aapke mind mein kya tha, aap kya dena chahte ho public ko? Bro mere ko na bas yahi tha ki ek pattern nahi bana ke dena ki main tez karta hu to ye lo sare gaane tez ho gaye, acha main thoda hard rap kar sakta hu sare le lo, acha main commercial bhi kar sakta hu to sare gaane commercial le lo। mere ko music banana pasand hai, chahe wo lo-fi ho, kabhi kabhi to main jazz banane ki bhi koshish karta hu, experiment with it, मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते जो भी बन रहा था ना गट फीलिंग के साथ और नेचुरली जो निकल रहा था मैं बस बनाता गया यार। भाई मैंने ना 27 गाने बना लिए थे, 26-27 गाने, जिसमें से फिर एक आगे चल था जो दे दिया, काफी गाने मैंने कंप्लीट नहीं हो पाए क्योंकि वो म्यूजिक जो मुझे चाहिए था उस डायरेक्शन में जा नहीं रहा था और उस टाइम टाइम भी नहीं था, लोगों को देनी भी थी एल्बम, देन आई गॉट बिजी विद क्या कहते हैं टीवी आ गया था, हसल कर रहा था मैं, DID कर रहा था तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था, और वो अच्छा भी हुआ यार, उसमें बिजी होने की वजह से ना काफी नई चीजें मैं सीख रहा था साथ साथ में, काफी नई एक्सपीरियंस हो रहे थे, तो बोलने के लिए और लिखने के लिए भी चीजें बढ़ी रही थी, सो आई ऑलवेज टेक इट एज अ पॉजिटिव, वो भी बहुत अच्छी चीज है। तो वही घूम फिर के बाकी गाने बचा रखे हैं, बहुत बचा रखा है, इनको देता रहूंगा,
और 16 मैंने पहले डाल दिए जो मेरे को पहले 16 जो फिनिश हो गए थे. अच्छा तो आपकी एल्बम में वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फेवरेट गाना कौन सा अपना? प्राउड प्राउड गाना तो मतलब गाना ऐसे फेवरेट, तो कोई फेवरेट मैं बोल नहीं सकता नहीं, लेकिन तो अगर एक गाना जो एक गाना ऐसा बताओ जो आप यार वो मॉम डैड के लिए बनाया था ना, वो मॉम डैड को थैंक यू करते हुए बनाया था, तो वो बाय डिफॉल्ट फेवरेट है अपना. That's understandable, of course, man. ये वो connection वो कभी वो मेरे भगवानों के लिए भाई. तो ठीक है, उस गाने के अलावा एल्बम में एक वो गाना कौन सा है जो डिफाइन करता है कि रफ्तार ये आर्टिस्ट है? मी एंड माई पेन. मी एंड योर पेन, मैं और मेरा कलम. मी एंड माई मैं और मेरा कलम मैन. बहुत अच्छा. आई लिसन टू दैट सॉन्ग एंड इट्स रियल. थैंक यू. उसके जो वर्ड प्ले और लिरिक्स जो है वो कॉन्शियस है, मतलब अच्छा है गाना, काफी काफी क्रिएटिव है. शुक्रिया शुक्रिया मदर. जो मैं लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं करा, मैंने एक गाना बनाया था और वो गाना पूरा शूट कर लिया था और काफी ज्यादा पैसा लग गया था उस शूट पे ना, काफी ज्यादा, काफी बड़ा शूट किया था, पूरा कासल लिया था, घोड़ा चलाना सीखा था ब्रो, हॉर्स राइडिंग करी थी, बहुत कुछ किया था उसके लिए, लाइक द सेट्स वर क्रेजी, सब कुछ अपने दिल से बहुत बड़ा किया. हुआ क्या, बिल्कुल उससे मैच करते हुए ना एक गाना रिलीज हो गया. कोरस भी ऑलमोस्ट, मतलब कोरस का आइडिया सेम था, वो मैच करता हुआ ना गाना रिलीज हो गया. और वो अपने बंदे थे, मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला कि भाई यार ये तो गलत हो गया, तो कह रहे शिट यार अब क्या कर सकते हैं. मतलब चाहता तो मैं कर सकता था, बट मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर वो वाली बात आए कि ये गाना किसी और के गाने की तरह लग रहा है, इसलिए मैंने वो गाना रिलीज ही नहीं किया. तो उसके बाद थोड़ा हमको रुकना पड़ा कि नहीं यार थोड़ा रुक के करते हैं, क्योंकि एक झटका भी लग गया था उस चीज से. तो वो काफी बड़ा नुकसान था. एल्बम है नहीं, वो एल्बम में है नहीं, वो है नहीं गाना, पूरा निकाल दो, वो पूरा. अब क्या कर सकते थे, जबरदस्ती अपने दिल के लिए. अब हम तो गाना बना सकते हैं, वो बस नुकसान जो था ना, वो नुकसान की वजह से थोड़ा एक स्टेप पीछे लेना पड़ा, पर ठीक है, वो स्टेप पीछे लेने की वजह से चार आगे कूद जाऊंगा. तो एक साथ देता जाता हूँ इनको बीच में कुछ ना कुछ ना. तो दिल्ली वाली बातचीत निकाला था, उसके बाद मैं वही हूँ और नाचने का शौक है, ये निकले थे. उसके बाद जो गाना निकला था मूव निकला था, मूव के बाद मी एंड माय पेन, देन ड्रामा. तो वीडियो तो बना ही ली थी मैंने, काफी और गानों की वीडियोस बना रखी है. अच्छे है ना, क्योंकि इस वक्त तो बना नहीं सकते वीडियो, काफी मुश्किल है. अरे यार यही काला पर्दा है, इतना देखो सेट पे खड़ा हूँ या अपने कैमरे के आगे दिखना, मैं ऐसी हूँ. आवाज बदलेगी ना, यहाँ बदलेगी. तो अगर देख रहा होगा तो इनको ऐसी वीडियो में भी देख लेंगे. तो आई मीन अब आपने एल्बम निकाल लिया, ड्रामा लास्ट सिंगल है. हाँ जी हाँ जी, क्या ब्रदर थोड़ा कट गया था. सॉरी. अच्छा अब आ रही है बस. हाँ जी हाँ जी, ऑल गुड. ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अब एल्बम आई है आपकी, एल्बम लास्ट लेटेस्ट सिंगल ड्रामा है, इसके बाद आगे क्या प्रोजेक्ट है? इसके बाद भी बनाने के, क्योंकि हुआ क्या था, मैंने एल्बम रिलीज कर ली थी इसलिए कि लोग घर पे भी रहे यार, घर पे बैठ के आराम से सुने. और उसके बाद क्या कहते हैं, नुकसान भी बहुत हुआ, नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि ऑल ओवर जो स्ट्रीमिंग है ना, स्ट्रीमिंग 30% 40% कम है. यूट्यूब कम हो रखा है क्योंकि एग्जॉस्ट हो रखा है. बैकएंड पे हम जो लोगों से पूछते रहते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो काफी चीजों का उससे फर्क हो रहा है. रेडियो स्टेशन यहाँ पे काफी बंद हो गए हैं. तो पर फायदा ये हुआ कि जब वो गाने डाले ना, तो लोगों ने अपने अपने पसंद के गाने पसंद कर लिए कि ये वाला गाना मुझको पसंद है पाजी, ये वाला गाना मुझे पसंद है. फिर लोग खुद बोलने लगे कि इसकी वीडियो चाहिए, इसकी वीडियो चाहिए, इसकी वीडियो चाहिए. तो ठीक है, अब मुझे पता लग गया उनको किसकी वीडियो चाहिए, उसकी वीडियो बना के दे दूंगा जैसी ये महामारी खत्म होगी. म्यूजिक नेवर डाइज, म्यूजिक नेवर डाइज. ये एल्बम रखी हुई है, 5 साल पहले निकालू या 5 साल बाद निकालू, वो गाने मेरे गाने रहेंगे क्योंकि मेरे दिल के करीब है, मेरे लिए वो बहुत रिलेवेंट है. ठीक है, आई टोल्ड यू दैट. ओके इस वक्त अब टाइम आता है एंड ऑफ द शो का. मैं बेसिकली ऑफिस से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो ये इंटरव्यू पूरा कम चल रहा है क्या? और आपकी आवाज बड़ी दब रही है. दब रही है, दब रही है.
अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके क्वेश्चन, आपको मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, नथिंग टू पर्सनल, नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए पूछता हूँ। अच्छा, आलू पराठा मूली पराठा कौन सा वाला? अरे यार, आलू पराठा। आलू शुक्र है पराठा। प्याज नहीं बोला, मैं फंस जाता। प्याज नहीं बोला ना, वरना मैं फंस जाता। अच्छा, बटर चिकन या तंदूरी चिकन? बहुत दिल से बताऊं तो राजमा चावल। वर्ड टू गॉड, वर्ड टू गॉड, यार राजमा चावल पापड़ एनी डे ब्रा, या सो ओके, एनी सबसे डे। फेवरेट, अगर यही हो गया मतलब, मैं क्वेश्चन मैंने ये पूछा है, तेरी फेवरेट सबसे ज्यादा देसी डिश कौन सी है, तो राजमा चावल ही होगी ना। राजमा क्या चावल, मम्मी मम्मी के हाथ का डोसा, और क्या कहते हैं, एक रेड चटनी बनाती है वो टमाटर की, जबरदस्त ब्रो, जबरदस्त, नथिंग बीट्स दैट फॉर मी। मॉम्स डोसास ओके। एंड दैट मॉम रेड चटनी इज द थिंग टू डाई फॉर। की कुकिंग तो बस पता है, नथिंग कैन बीट इट, है ना। मेरे नहीं मेरी मेरे लिए नहीं मेरी मम्मी की बिरयानी नहीं जो है मैं ना, कभी कभी मम्मी को बोल देता, मम्मी ये चीजें आप मत बनाया करो, अपना यही बनाओ। झूठ काहे बोलना, झूठ काहे बोलना। अच्छा, फेवरेट नॉन देसी डिश? नॉन देसी डिश, ब्रो, चाउमिन। अब तो बोलने से भी चाउमिन। डर लग रहा है। बट यस यस, हैंड्स डाउन, चाउमिन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। ओके। इफ अगर आपकी बाय लाइफ के ऊपर अगर एक बॉलीवुड में बायोपिक फिल्म बनती है, कौन सा ऐसा एक्टर है जो आप चाहोगे कि आपको आपका रोल प्ले करे? मैं खुद, मेरी कहानी नहीं मुझसे आप, बढ़िया कौन बताएगा नहीं भाई। नहीं आप नहीं, कोई बॉलीवुड एक्टर चूज करना। तो अपन देखेंगे उस टाइम पे, कोई नया एक्टर लेंगे बिल्कुल, जो अपने नहीं से नहीं इस वक्त बिल्कुल जो चल रहा है ना, सवाल दे रहा है अभी, घुमा के क्यों बोल रहा है, घुमा नहीं जवाब रहा दे। यार मैं, मेरे को सच्ची नहीं पता। एक बात बताओ, जब एमिनेम अपने में मूवी बना के खुद एक्ट कर सकता है, 50 सेंट खुद कर सकता है अपनी मूवी में एक्ट, तो मैं क्यों ना करूं? वेरी वेरी गुड, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, या तो वेरी ट्रू। अच्छी करूंगा या अच्छा खराब करूंगा, पर मैं क्यों ना चलो, करूं? चल ठीक है, ये तो तू आंसर ये खुद नहीं कह सकता। हीरोइन कौन लेगा, क्या चीज? एक्ट्रेस कौन होगी तेरे ऑपोजिट? अब ये तू खुद तो नहीं कर सकता ना। पर देखो, अगर मैं देखो, ये वाली बात है, अगर मेरी कहानी बनाओगे तो हीरोइन बनना जरूरी है क्या? चल अगर कहीं बॉलीवुड ओके, फिल्म बन रही है, आई तापसी पन्नू ब्रो, तापसी पन्नू एनी डे। ओके यप, ओके। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? हाँ मैन, आई आई सी, आई एम अ बिग फैन ऑफ लाइक लेट इरफान सर एंड मनोज बाजपेयी सर, नसीरुद्दीन शाह सर, नवाजुद्दीन शाह, तो अपने ना वो वाली कैटेगरी है। आई रियली लव देम ब्रो, उनकी मूवीज मैं छोड़ता ही नहीं। मनोज वाजपेयी, यू नो माय फिल्म, आई लव द फिल्म सत्या, देखिए व्हाट अ फिल्म, इनसेन ब्रो, इनसेन। इनसेन इनसेन, आई लव दैट फिल्म, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड फिल्म है ना, वैसे पब्लिक वाली कमर्शियल फिल्म नहीं है, आई लव दैट। अच्छा, ब्रो फीमेल एक्ट्रेस, हीरो सबसे नहीं फेमस एक्टर, हीरो नहीं एक्टर एक्टर। या एक्टर की बात से है, आमिर खान इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस, क्योंकि वो जो फिल्में जो डेफिनेटली बनाते मैन, हैं वो, व्हाट अ गाय, व्हाट अ गाय। फिल्में जो मैं बनाते हैं तो वो खुशकिस्मत हार्टफुल रहा हूं होती कि है, उनके अलग साथ चीज। बैठ के मिलने का मौका मिला है, प्रीमियर हाँ वो देखा है उनके दंगल साथ, भी किया गाना था किया, उन्होंने, दंगल भाई वो तो क्या ही अमेजिंग। चलो भी चलो, तो किया था ना तुमने, हाँ दंगल जी में हाँ किया था जी ना गाना तुमने। हाँ जी हाँ हाँ जी। अच्छा, फेवरेट फीमेल एक्ट्रेस तापसी बॉलीवुड पन्नू, वाली? तापसी पन्नू। अच्छा ओके। इफ देयर वाज अ हॉलीवुड, आई मीन हॉलीवुड, बट इफ देयर वाज अ मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट यू कैन कोलैबोरेट विद, हु वुड इट बी? द गेम ब्रो, द बकेट लिस्ट है ना, गेम, अपनी अपनी बकेट लिस्ट है, अपनी ख्वाहिशें हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हर बंदे की होती है। अच्छा तो अगर आपने कोई एशियन अगले सीन में कोई, बस हाँ वो तो ऊपर वाले। वो अच्छा, सपना देसी ब्रो, सीन में कौन सा ऐसा देसी आर्टिस्ट है जो आपने अभी नहीं काम किया, जिसके साथ जो आप करना चाहते हो? हाँ डैम, आई कुड बी इन बॉलीवुड, पंजाबी, व्हाटएवर, इट डजंट मैटर। यार राहत सर के साथ मौका मिल जाए तो फिर मतलब वो ही इज नेक्स्ट लेवल यार, वो ही मैं इज। अरिजीत भाई कह सकता था, पर अरिजीत भाई ने के साथ मैंने थोड़ा सा भी कुछ कर लिया है, बट एंड यू नो वर्क विद, टचवुड, वर्क विद रहमान सर, तो राहत सर रह गए। राहत सर या के नो साथ भी आपको, होना था गाना, बस वो फिर आपको पता ही क्या चल रहा है। यस आई नो टाइमिंग्स आर नॉट गुड राइट नाउ, बट आई एम श्योर इंशाल्लाह जब ऊपर वाला चाहेगा कुछ ना कुछ हो जाएगा जिंदगी में, तो टच वुड इट्स नॉट अ यार, टच प्रॉब्लम। वुड, टच वुड, कोई बात अच्छा नहीं।
आगे रफ्तार, कौन सी ऐसी चीज है रफ्तार जो बना सकता है खाने की जो बढ़िया है सबसे? ऑमलेट यार मैं ये पूछना चाहता हूँ, पाव भाजी होती क्या? मैंने कभी नहीं खाई। क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, फिर बताना बताना नहीं है तुम्हें, आप आओ घूमने, मैं इतना कुछ खिला दूंगा ना, यहाँ तक भर के भेजूंगा, इतना छोटा आ जाओ तुम बस खाने में, मैं मुंबई गया ना भाई, ये बात ये है कि मैं जब हम जो बाहर से आते हैं हमें डर लगता है ना सड़क वाला खाना खाने के, तो पेट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए कभी टाइम नहीं मिलता। तभी हम इंडिया वाले थोड़ी, हमारी इम्यूनिटी ठीक है ना, इसलिए हमारी थोड़ी कम फट रही है हाल फिलहाल भी, इसलिए हमारी हम थोड़े अंदर से कठोर बाहर से नरम होते हैं। हाँ हमारा हम जरा हल्के फुल्के होते हैं ना, यहाँ से आते हैं जरा हल्के फुल्के होते हैं थोड़े, तो हमें जरा हो जाता है कभी कभी खराब। चलो डेफिनेटली आएंगे, प्लीज एनी टाइम यू कम, प्लीज बी आर गेस्ट। आप भाई तुमसे ये सब फॉर्मेलिटी वाली बातें करने की जरूरत है नहीं, हम मिलेंगे बढ़िया तरीके से, समझ रहे हो ना तुम, बढ़िया तरीके से। नहीं भाई मेरे अपने घर में मेरे लिए एक गेस्ट रूम रखते ना, फॉर्मेलिटी कोई नहीं है भाई, उधर ही आएंगे, उधर ही खाएंगे, 101% 101% 100%। अच्छा अब आपने अपने प्यारे से दुनिया भर में फैंस को आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई देखो मैंने आज तक किसी को फैन नहीं बोला, बिकॉज आई डोंट, मैं किसी भी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता जो जो आज है कल है वो मुझे पसंद कर रहे हैं। मैं लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता है अपना, मैंने हमेशा ये फैमिली फैमिली फैमिली, कुछ भी काम करें इट हैज टू वर्क लाइक अ फैमिली हैज ऑलवेज बीन माय थिंग, चाहे वो दोस्ती हो चाहे काम हो, तो ये सब आई ऑलवेज से कि दे आर लाइक माय परिवार, आपका प्यार है तभी रफ्तार है, एंड यू नो चाहे कोई भी बात हो जाए, चाहे मेरे म्यूजिक को लेके हो या मेरे ऊपर कोई उंगली उठी हो, यही सब लोग लड़ते हैं, ये सब अपने दिल पे ले लेते हैं जैसे इनके साथ कुछ हुआ है, तो ऐसे एक मैसेज नहीं है, मैसेज यही है भाई, जान है तो जान है, बच के रहना और अपने दिल की सुनना और हर उस सपने के पीछे भागना जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना है हासिल, हर सपने के पीछे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, यू हैव टू रन आफ्टर इट भाई, जिद्दी बनो तो वहां बनो, बस दैट्स व्हाट इट। रफ्तार भाई थैंक यू सो मच आने का शो पे, और लव है मजा आ गया करना, लोगों को बता रहे 5 साल हो गए मैं रफ्तार, 5 साल हो गए मैं रफ्तार मिले नहीं, ऐसे बात हो रही जैसे हम कल साथ थे। नहीं बट दैट इज हाउ इट शुड बी ब्रो, ऑलवेज Always love, always positivity. भाई खुश रहना, अपने घर परिवार यारों दोस्तों को सेफ रखना प्लीज। थैंक यू सो मच रफ्तार भाई, अपने फैमिली को भी सेफ रखें, और इंशाल्लाह हम जरूर मिलते हैं दोबारा, और मैड लव भाई, मैड लव, शुक्रिया भाई आप लोग जो जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया, काफी हम ऐसी बात करते करते बह गए, तो आपका टाइम वेस्ट कराया तो सॉरी, पर घर पे रहना प्लीज, सेफ रहना यार, और कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहो, बहुत सही समय इस टाइम। Thank you so much, Raftar. One love. Take care. Bye-bye. Ladies and gentlemen, that was Raftar. Thank you so much. Come back live again tomorrow. We've got Zora Randhawa.